की घोसी और अलीगढ़ की इलगाज विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सपा और रालोद गठबंधन के उम्मीदवारों के नामांकन बुधवार को रद्द कर दिए गए हैं। मऊ से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक घोसी सीट से सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह का नामांकन पत्र फॉर्म ए और फॉर्म बी में जरूरी औपचारिकता पूरी नहीं होने के कारण रिटर्निंग अधिकारी विजय मिश्र ने रद्द कर दिया है। मिश्र ने बताया कि सुधाकर की तरफ से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भी नामांकन पत्र दाखिल किया गया था, जो सही नहीं है। इस बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि निर्दलीय होने के बावजूद सुधाकर सिंह ही पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी होंगे। अखिलेश ने घोसी क्षेत्र के मतदाताओं से सिंह को विजय बनाए जाने की अपील भी की है। सपा प्रत्याशी का नामांकन पत्र खारिज होने से नाराज सपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। अपना नामांकन खारिज होने पर सुधाकर ने कहा कि सत्ताधारी पार्टी ने अपनी संभावित हार के डर से उनका पर्चा खारिज करवाया है। इसके अलावा अलीगढ़ की इलगास विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए सपा रालोद गठबंधन प्रत्याशी सुमन दिवाकर का पर्चा भी रद्द हो गया है। चुनाव अधिकारी रंजनी कुमार ने बताया कि प्रत्याशी निर्धारित समय में अपना जाति प्रमाण पत्र और फॉर्म बी जमा नहीं करवा पाए हैं, इसलिए उनका नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया है। पर्चा खारिज होने से निराश सुमन ने कहा कि उन्हें नामांकन दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय ही नहीं दिया गया। उनका कहना है कि वह चुनाव अधिकारी के कार्यालय में सोमवार को 2:30 बजे सभी कागजात लेकर पहुंची थी। उन्हें बाहर इंतजार करने को कहा गया। इसके बाद वे 2:50 पर कार्यालय के अंदर पहुंची, जबकि नामांकन का अंतिम समय 3 बजे था, लेकिन उन्हें समय से पहले ही निष्कासित कर दिया गया। SPN9 न्यूज के लिए मैं भ्रमांश यादव। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।